गाइज यार, अगले 1 घंटे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एक बहुत ही शानदार म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन जो कि HTML, CSS और JavaScript से बनेगी। अगर आपको आता है फिर भी आप बना सकते हैं, नहीं आता है आप फिर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखिए, ये मेरी गारंटीड है, आप गारंटीड बना सकते हैं बहुत अच्छा, और आप जितना मन चाहे उतना उसमें ऑडियो प्ले कर सकते हैं। यकीन कीजिए बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो चलिए बने रहते हैं इस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक देवी, दिस इज अंकित आर्या शामी, और आज हम एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जो कि जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, और वो होगा म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन जो कि आप जिससे म्यूज़िक सुन सकते हैं, प्ले पॉज कर सकते हैं, ऐसा कोई हम एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मेरे पास कुछ म्यूज़िक है जो कि कॉपीराइट ना हो, इसलिए मैंने ऑलरेडी मैं यही यूज करूँगा, 3 यूट्यूब की लाइब्रेरीज मैंने डाउनलोड की है, और आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ये तो मेरे लिए है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे IMG में मेरा एक फोल्डर है, मेरा इसमें 3 पिक्चर्स हैं जो कि मैं यूज करूँगा इमेज के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, CSS जो है हमारा, इस CSS में हम CSS लिखेंगे। सबसे पहले राइट क्लिक करके इसको ओपन विथ कोड कर लेते हैं, है ना, सॉरी ये बैस हो गया, और ओपन विथ कोड मैं करूँगा। एंड ओपन विथ कोड करने के बाद जैसे मेरा खुल जाएगा तो मैं इसको बंद करके यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसमें एक फोल्डर बनाऊंगा music.html के नाम से, ठीक है, music.html के नाम से, और यहाँ पे अपना HTML फटाफट लिखूँगा थोड़ा जल्दी जल्दी, और हमने यहाँ पे लिख लिया है। और ये कोड आप हार्ड कोड सेम टू सेम यही कोड रखना, मैं इसका जो डॉक्यूमेंट नाम है उसको थोड़ा चेंज कर दूँगा, iMusic, ठीक है, iMusic प्लेयर, चलो ये मैंने रख दिया। और इसके बॉडी में मैं क्या करूँगा, div डॉट, सबसे पहले तो मैं मेन, ये हमारा मेन हो गया, div डॉट हमारा जो है म्यूज़िक कंटेनर, ठीक है, जो भी हमारा म्यूज़िक आएगा वो सब हम कंटेन करेंगे, जो भी हमारा म्यूज़िक की प्लेयर रहेगा, जो भी इसको लिखते हो म्यूज़िक प्लेयर, या फिर चलो सही है इतना, म्यूज़िक कंटेनर, ठीक है। अब इस म्यूज़िक कंटेनर में सबसे पहले तो मेरे को एक H2 चाहिए होगा जो कि सॉन्ग का नाम दिखाएगा यहाँ पे, और H3 मैं कर दूँगा जहाँ पे आर्टिस्ट का नाम दिखाएगा, ठीक है, आर्टिस्ट का नाम यहाँ से दिखाना चाहिए। तो चलो मैं देखता हूँ कितना, सेव करने के बाद राइट क्लिक करके मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, तो ये हमारा आ गया सॉन्ग नेम और आर्टिस्ट नेम, वेरी फाइन जी, वेरी फाइन। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कि इसके साथ अब हम और लगाएंगे क्या, यहाँ पे हम इमेज भी लगाएंगे, है ना, इसके बाद इमेज, तो div img कंटेनर जो कि हमारा इमेज आएगा उसको हम यूज करेंगे, तो इमेज कंटेनर, और इस img में हम सबसे पहले तो लगा लेते हैं इमेज कंटेनर, इमेज सोर्स जो है वो थोड़ा बाद में लगाऊंगा, अभी मैं इसको पहले एडिट कर लेता हूँ, ठीक है, वेरी फाइन। तो चलो हमारा ये दिख रहा है, अब CSS में आते हैं, सबसे पहले तो एक style.css लिख लेते हैं, style.css, और इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहले ये हम करते हैं ऐसे, और मार्जिन 0 कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पैडिंग को भी 0 कर देंगे। पैडिंग 0 करने के बाद बॉक्स साइजिंग को हम बॉर्डर बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स बन 0 नहीं, यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स बना के सेव कर देते हैं। चलो हमारा जो भी हमारा सारी चीज़ें थी ये हो गई, और इसको हम इम्बेड करेंगे। कैसे इम्बेड करना है, तो आपको यहाँ पे आप क्या करो कि लिंक लगाओ यहाँ से हेड में अपना लिंक, और यहाँ पे href में आप लिखो स्लैश, क्या लिखोगे, css और style.css, आपने यहाँ पे लिंक कर लिया। एक चीज़ और मैं आपको सबसे पहले लगा देता हूँ क्या, कि cdjns आप करो, और फॉन्ट ऑसम यहाँ से आप उसकी लाइब्रेरी को इसमें लगा लेते हैं, ठीक है, फॉन्ट ऑसम ये जो लाइब्रेरी है, ताकि हम आइकन्स को यूज कर सकेंगे, जैसे वो जो हमारा प्ले करने का आइकन या फिर नेक्स्ट प्रीवियस करने का बटन होगा ना, तो उसको हम यहाँ से आइकन में यूज करेंगे। तो वेर द 5, इसके जो 10 है 5.1.0, ओके, वेरी फाइन। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि सो करके यहाँ पे कॉपी लिंक पे आप क्लिक करना, इस पर क्लिक करके, और उसके बाद हम मेरा जो VS Code एडिटर है इसमें आएंगे और लिंक इसको भी पेस्ट कर देंगे, इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम ओपन करके देखते हैं क्या आता है। चलो सॉन्ग नेम हमारा ये आ रहा है, आर्टिस्ट नेम हमारा ये आ रहा है, सारा चीज़ पैडिंग बॉडम सारा चीज़ हट गया मेरा। तो उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मुझे इसमें सॉन्ग नेम आर्टिस्ट नेम तो हो गया हमारा, एंड पैडिंग भी हट गई, तो मुझे सबसे पहले इसमें एक गूगल फॉन्ट में जाऊँगा मैं, ठीक है, गूगल फॉन्ट, इस गूगल फॉन्ट में जाके मैं देखता हूँ अभी मैं क्या यूज करने वाला हूँ।
मैं यहाँ पे यूज करूँगा एक अच्छा सा फॉन्ट, ठीक है, जो कि हमारे एक जॉस्ट करके फॉन्ट आता है, वो बहुत अच्छा है। और उसके बाद क्या है कि एक मिनट, रोबोटो कैसा है जरा मैं देखूँ। एक यहाँ से जॉस्ट, ओके सो मैं ये जॉस्ट वाला ही कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 400, वेयर इज द 400, हियर इज़ द 400, सेलेक्ट दिस स्टाइल एंड एम्बेड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस तरह से एम्बेड करना है तो इम्पोर्ट करूँगा और इस इम्पोर्ट को मैं इतना कॉपी कर लूँगा और अपने इसमें आके इस स्टाइल डॉट सी एस एस में सबसे ऊपर में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके वेरी फाइन जी। अब उसके बाद हम HTML लिखेंगे और इसमें HTML में फॉन्ट फैमिली क्या कर देंगे, फॉन्ट फैमिली जो हमारी होगी वो ये वाला फॉन्ट फैमिली हम इसको कॉपी करके और इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और एक और हम इसमें क्या लिखना चाहेंगे, फॉन्ट फैमिली तो हमने कर रखी है एंड चलो सही है, फॉन्ट फैमिली हमने ये कर दिया। अब जब इसको हम देखेंगे तो ये देखो हमारा सॉन्ग नेम, आर्टिस्ट नेम हमारा अच्छे से लिख के आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या सेट करेंगे कि जो हमारा म्यूज़िक कंटेनर है और सारी चीज़ें हैं उसकी मैं सारी चीज़ें अब फिक्स करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये सबको एक सेंटर में करना चाहेंगे और सेंटर में करने के बाद अभी मैं भी आपको दिखाता हूँ करके क्या करना है हमको। तो मैं क्या करूँगा कि जो हमारा म्यूज़िक कंटेनर है इसको हम लोग सबसे पहले तो मेन, ठीक है, डॉट जो मेन है हमारा इसको हम हाइट और विड्थ दे देते हैं, हाइट 100 VH की, सही है क्या, 100 VH, और विड्थ जो है वो भी 100 VW की, चलो देखते हैं करके। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और इसमें हाइट देने के बाद मैं क्या लिखूँगा, डॉट म्यूज़िक कंटेनर, इस म्यूज़िक का जो कंटेनर होगा इसकी हाइट विड्थ भी हम सेट करते हैं, हाइट 20 कर दे तो दिस इज गुड बट 25 शुड बी बेटर, सो ओके दिस 25 इज बेटर एंड इस विड्थ को 30 रेम कर दो और छोटा कर दो 25, इसको भी कर दो, तो कुछ ये इस तरह से आ जाएगा। इसको 20 कर दो विड्थ को, चलो ये 20 है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 35 रेम कर देते हैं, चलो ये हमारा 35 रेम हो गया है। और इसको हम सबसे पहले तो सेंटर में ले आते हैं, ठीक है। सेंटर में ले आने के लिए हम मेन में जाएंगे और मेन में हम क्या करेंगे, प्लेस आइटम्स, प्लेस आइटम्स सेंटर, ठीक है। इस प्लेस आइटम्स को जैसे आप सेंटर करोगे तो आएगा नहीं, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले, डिस्प्ले ग्रिड कर दो और इसको डिस्प्ले ग्रिड करवाने के बाद जैसे ही आप प्लेस आइटम सेंटर करोगे तो ये आपका आ जाएगा। तो कुछ हमारा इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये कलर डोंट वरी, हम लोग इसको अभी बदलेंगे सब चीज़ को। तो ये बदलने के बाद हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो इसकी कलर को सेट करें, तो इसके कलर को चलो देखते हैं कैसा कलर हमको चाहिए होगा। तो इसके अगर रेड कलर को हम चूज करें तो बहुत बेकार लग रहा है, तो बैक चलो ये वाला कलर डाल देते हैं, ठीक है, ये जो भी कलर है हमारा हल्का येलो टाइप का। अब इसको हम कहाँ डालना है, इसको ये हम म्यूज़िक कंटेनर में करेंगे, ठीक है। और ये हमारा म्यूज़िक कंटेनर हो गया, बैकग्राउंड का कलर, बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर सेव, और हम जैसे सेव करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब सारे चीज़ को हमको इनकी जो टेक्स्ट जो भी है इसको हमको बीच में करना है, तो टेक्स्ट अलाइन सबसे पहले तो हम सेंटर करेंगे, सॉरी यार अलाइन लास्ट क्यों आ जाता है, ये सेंटर, और ये सेंटर करने के बाद जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा हमारा सेंटर। और उसके बाद क्या होगा यार कि इसके टाइटल वगैरह को हम लोग ठीक करते हैं, ठीक है। डॉट म्यूज़िक कंटेनर, जो भी हमारा म्यूज़िक कंटेनर का जो टाइटल है अभी कैसे सेट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा टाइटल है यहाँ पे हम एक आईडी लगा देंगे, आईडी इक्वल टू टाइटल, सही है, या सॉन्ग टाइटल कर दो ऐसे, ओके सॉन्ग नेम, चलो ये सॉन्ग नेम हो गया और ये आर्टिस्ट नेम हो गया, आईडी इक्वल टू आर्टिस्ट, आर्टिस्ट नेम, वेरी फाइन, सॉन्ग नेम और आर्टिस्ट नेम, ये सॉन्ग नेम और ये क्या सेम चीज़ को कॉपी करेंगे और इसका नाम जो हम लोग चेंज कर देंगे, है ना,
तो ये हम मैंने किया और ये सॉन्ग नेम जो है यहाँ पे आर्टिस्ट नेम, वेरी गुड जी, वेरी गुड। नाउ इसको क्या, इट इज़ ओके। नाउ 24 पिक्सल इज़ नॉट अ गुड, 16 पिक्सल, ओके 16 पिक्सल इज़ गुड, बट एंड व्हाट आई हैव टू डू इज़ फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट साइज को हम लोग 20 पिक्सल कर देते हैं, सही है। और ये हमारा सॉन्ग नेम वगैरह शो कर रहा है, इसको 24 पिक्सल कर दे दो, कैसा लगेगा? चलो ठीक है, इसको 18 पिक्सल कर दो, वेरी फाइन। तो इसकी जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट को हम अपर केस कर देते हैं क्योंकि नाम थोड़ा बड़ा दिखाएगा, चलो सही है। और इसके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को हम कैपिटलाइज कर देंगे, ट्रांसफॉर्म को हम कैपिटलाइज कर देते हैं, सही है। और इसमें भी हमारे और क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें थोड़ी वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग मैं अगर करूँ वन रेम, लेट्स से हाउ विल इट लुक, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, आई मीन पॉइंट टू रेम, पॉइंट टू रेम, ओके दिस इज गुड। लेटर स्पेसिंग 0.1 रेम और 0.2 रेम, ओके दिस शुड बी 1.15 रेम, ओके नाउ वेरी फाइन, दिस इज वेरी फाइन, बट आई थिंक दिस शुड बी 1.18 रेम, ओके चलो नाइस, दिस इज नाइस, ओके एंड नाउ दिस शुड बी मार्जिन टॉप, इसको से हम ऊपर से 2% मार्जिन ले लेते हैं, देखते हैं कि हमारा अब अच्छा दिख रहा है। और आई थिंक आई वी ऑल्सो शुड मार्जिन टॉप 2%, ओके नाउ 5%, हाउ इट लुक्स, ओके चलो तो ये हमारा अभी दिख रहा है सही। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस जो इमेज का कंटेनर है इसको भी हम यहाँ से ठीक करते हैं, तो डॉट img कंटेनर, इसके इमेज को कंटेनर को इसकी हाइट देते हैं और इसके भी विड्थ देते हैं, तो इसको हम 20 रेम करते हैं और इसको भी हम 20 रेम करते हैं, और उसके बाद इसमें हम एक बॉर्डर लगाते हैं ताकि हमको पता चल जाए कितना रखना है बॉर्डर, बॉर्डर हो जाएगा हमारा 2 पिक्सल, 2 पिक्सल रेड, 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है जी। और यहाँ पे जैसे ही आप 2 पिक्सल सॉलिड रेड करोगे तो ये आपको इस तरह से दिखाएगा, बहुत बड़ा है जो कि, तो मैं क्या करूँगा कि इसको इतना बड़ा रखूँगा नहीं, एक्चुअली मैं इसको कुछ 15 कर दो, और आप इसको भी 15 करके देखो कैसा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 15 रेम जैसे ही आप करोगे इसमें तो व्हाट हैपन्स, ओके रेम 15 रेम आप जैसे ही करोगे तो ये कुछ इतना बड़ा आ जाएगा, विच इज़ गुड, बट आई डोंट थिंक सो कि ये जो हमारा 15 रेम है देन वाई दिस इज लाइक साइड से हमारा कट रहा है, क्यों ओके सो दिस इज, दिस शुड बी डन हियर, दिस शुडंट बी डन हियर, एंड ये हमने मार्जिन ऑटो कर दिया सेव। और इस मार्जिन ऑटो में सबसे पहले तो हम 15 का दोनों रख लेते हैं, चलो ठीक है ये हमारा बढ़िया है। फिर इसको भी हम ऊपर से मार्जिन देते हैं, पहले तो मार्जिन टॉप से 2% की मार्जिन ले लो और देखते हैं कैसा आता है, ये तो नहीं 5% ले लो, 7% ले लो, जितना भी लेना है ले लो भाई, 8% कर दो, चलो चलो ये हमारा 8% का मार्जिन हो गया, और ले लो 10% कर दो, ये हमारा 10% का मार्जिन है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इसके बॉर्डर को, बॉर्डर रेडियस को 50% कर देंगे ताकि ये राउंड हो जाए, ठीक है ये राउंड लगेगा। और यहाँ पे हमारा जो भी प्लेयर है, जो भी पिक्चर लगाएंगे हम, वो घूमना चाहिए, ठीक है। तो इस पिक्चर में अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि डॉट img यहाँ पे हम हाइट फिक्स कर देंगे, इसकी हाइट, इसकी भी हम हाइट करेंगे 15 रेम, और इसकी भी विड्थ कर देंगे हम लोग
कुछ इस तरह से 15 RAM या फिर 100% कर दो तो इसके 15 RAM के साइज़ में आ जाएगा, ठीक है पेरेंट से। तो 100 RAM जैसे ही आप 100% करोगे यहाँ पे फिक्स, और इसको भी 100% फिक्स करोगे, इसको सेव करोगे, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या इमेज SRC में जाओ, बैक करो, इसमें इमेज लगाओ, और इमेज के बाद जो इमेज 1.jpg है उसको आप प्रिंट करो। तो ये देखो हमारा फ्लोट कर रहा है अभी, तो अभी सब सही हो जाएगा, डोंट वरी, जो फ्लोट कर रहा है वो हमारा सही हो जाएगा। इसको आप हटाओ यहाँ से, ठीक है, और ये जो फ्लोटिंग वाला काम जो यहाँ हमने सेट कर रखा है इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे ताकि कुछ इस तरह से दिखे, ठीक है, वेरी फाइन। अभी तो हमारा बहुत अच्छा दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे कि इसकी जो बॉक्स शैडो है उसको थोड़ा सा बनाते हैं, ठीक है। बॉक्स शैडो में हम क्या बनाना चाहेंगे कि 0.01 RAM, ओके, सो हमारा ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और इसको तो सबसे पहले तो 0 कर दो या 1 कर दो, 1 pixel इज़ enough, एंड इसको कॉपी करो इस पूरे कोड को, और कॉपी करने के बाद हम जाएंगे यहाँ और इसके पास पेस्ट कर देंगे ये वाला लाइन में। तो ये हमने पेस्ट कर दिया, सेव किया, और हमारा जो HTML है वो अभी रेडी हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको आइकन चाहिए होगा, तो आइकन के लिए मैंने आपको अभी यहाँ पे क्या यूज़ करवाया है, लाइब्रेरी फॉन्ट ऑफ एसम का, ठीक है। तो अब फॉन्ट ऑफ एसम की लाइब्रेरी को के बाद यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, देखो, ओके, सो हमने यहाँ तक तो कर लिया है सब कुछ, और अब हम आगे क्या करने वाले हैं इसमें कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे बटन्स, जिससे हमारा फॉरवर्ड हो, जो भी हमारा काम होता है फॉरवर्ड या फिर और भी जितने भी काम होते हैं, चलो उसको ऐड करते हैं। तो फॉन्ट ऑसम में मैं जाऊँगा यहाँ से, और फॉन्ट अवेशम आइकन में, और जो हमारा आइकन होगा फॉन्ट अवेशम का, इसमें आऊँगा, और प्ले और नेक्स्ट बटन ये सब मैं ऐड करने वाला हूँ अभी, तो देखो मैं कैसे ऐड करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगा, प्ले का है क्या कोई, मिल गया, ओके जी, प्ले मिल गया हमारा, और इस प्ले में मैं क्या करूँगा, क्लिक करता हूँ, देखता हूँ खुल जा भाई, ओके, तो ये प्ले हो गया हमारा, और यहाँ से हम कॉपी करेंगे, इसमें लिंक होगा कहीं पर, दिस इज़ नॉट, व्हाट इज़ दिस यूनिक, ओके, ये वाला हम कॉपी करते हैं इसका URL, और इसमें हम क्या पेस्ट करेंगे एक यहाँ पे इमेज कंटेनर के बाद, यहाँ पे मैं बनाऊँगा div डॉट कंट्रोल बटन्स, ठीक है, कंट्रोल बटन्स, यहाँ पे कंट्रोल बटन्स होगा हमारा, ये क्या हमारा आएगा, यहाँ पे मैं ID दे दूँगा सबसे पहले, तो ID इक्वल टू प्ले, ओके, ID इक्वल टू प्ले, और टाइटल इक्वल टू भी प्ले, क्योंकि ये हमारा प्ले हो रहा है, चलो। तो अब देखते हैं सेव करके कहाँ पे आया हमारा, तो ये हमारा बीच में आ गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इसमें हम क्या करेंगे और लगाएंगे आई क्लास, और जो भी हमारा क्लास होगा इसकी बैक करो भाई, इसमें नेक्स्ट बटन देखते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट बटन ढूंढते हैं, नेक्स्ट बटन वेरी द नेक्स्ट बटन, और शायद फॉरवर्ड वाला बटन होता है या कैसा बटन होता है, आपने देखा है आपके जो भी, अब आप चाहो इस नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करके अपने सॉन्ग को लेफ्ट राइट मतलब नेक्स्ट फॉर ये सब करवा सकते हो। तो मैं ये वाला बटन लेता हूँ स्टेप फॉरवर्ड वाला, और यहाँ से मैं इसको फिर से कॉपी कर लूँगा स्टेप फॉरवर्ड, तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टेप फॉरवर्ड रहेगा या स्टेप बैकवर्ड आप कर दो, और यहाँ पे चलो ये वाले को मैं बीच में कर दूँगा, और ये फॉरवर्ड है तो ये बैकवर्ड हो जाना चाहिए हमारा, एक बैकवर्ड, और मैं सेव करके देखता हूँ अब कैसा आता है तीनों। तो तीनों हमारा आ गया एक लाइन से, बट हमको इसको थोड़ा सा और नीचे चाहिए, और थोड़ा सा डिजाइनिंग करते हैं इसकी, और डिजाइनिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी डिजाइनिंग करने के लिए मैं इसमें जाऊँगा अपने CSS में, और इसके CSS में मैं जाने के बाद जो हमारा कंट्रोल बटन का क्लास है, इस डॉट कंट्रोल बटन का जो क्लास है, इसको सबसे पहले तो मैं मार्जिन में रुक जाऊँ, इस कंट्रोल बटन को, इसकी जो हाइट है, हाइट इसको मैं 24 pixel रख देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर वाइट कर देता हूँ, ठीक है, देखता हूँ कैसा बनता है। ये हमारा वाइट हो गया, और वाइट तो हो गया, बट इसकी जो विड्थ है वो कुछ 15 RAM ही रहेगी,
ये हो गया हमारा, और मार्जिन ऑटो करो ना। चलो तो मार्जिन ऑटो हमने कर दिया, और जिससे कि हमारा ये हो गया, और ये जो हमारा पिक्सेल है वो कुछ 120 पिक्सेल कर दो, बहुत ज़्यादा। 64 पिक्सेल इज़ वेरी, 55 पिक्सेल इज़ वेरी गुड, एंड बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मैं 50% कर दूँगा, ताकि कुछ इस तरह से दिखे, बट जो कि अच्छा नहीं दिख रहा है। 45 पिक्सेल कर दूँगा, उसके बाद देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि अच्छा दिख रहा है, बट इसको मैं नीचे चाहूँगा। और तो इसमें बॉटम लगाता हूँ मैं, इसकी जो डिव है इमेज, इसका जो कंटेनर है मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम से, इसको 12 ठीक है। तो अब हम इसको साइड में कर देते हैं। तो साइड में करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि साइड में इसको करने के लिए हमको कुछ लिखना पड़ेगा। इसमें वो म्यूज़िक कंट्रोल वाला हमारा कहाँ चला गया, वेयर इज़ द म्यूज़िक कंट्रोल, और लेट से दिस वन, ओके, कंट्रोल बटन्स, हियर इज द कंट्रोल बटन्स, ओके। तो सो इस कंट्रोल बटन्स में जितने भी स्पेस बिटवीन, व्हाट स्पेस बिटवीन हम कर देंगे इसमें, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, आई हैव टू डू दिस नॉट सेंटर, अगर मैं करता हूँ स्पेस बिटवीन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव, और सेव करके देखते हैं तो क्या आता है। यह हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स करना चाहिए मेरे को, डिस्प्ले फ्लेक्स, लेट्स डू दिस, ओके। तो ये हमारा हो गया डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड ये चीज़ हमारी हो गई। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ओके। तो अभी हमारा बहुत अच्छा दिख रहा है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इधर से और जो है वो अगर हो जाए तो मज़ा आ जाता, ठीक ना, किधर से, ये इधर से, इधर से, या फिर चलो इसको मैं क्या करता हूँ सबसे पहले कि कंट्रोल बटन्स जो है इसको मैं बॉक्स शैडो दे देता हूँ, सेम ये वाली शैडो, अगर मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँ तो कैसा लगेगा, लेट्स चेक। और सेव मैं करूँगा यहाँ से, जैसे मैं सेव कर देता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा ये चीज़ आ गया, लेकिन मैं इसके कलर को थोड़ा ब्लैक रखना चाहूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आई थिंक। तो अगर मैं इसको ब्लैक कर दूँ जो भी है हमारा यहाँ पे, और 1111 अगर कर दो, लेट्स ओके। तो ये ब्लैक हो गया, बट ये 17 पिक्सल इज़ वेरी, 12 पिक्सल इज़ फाइन, बट अगेन इट इज़ सो, 4 पिक्सल हाउ इट विल लुक इज लाइक ओके, देन 16 पिक्सल इज गुड, बट दिस शुड बी लाइक -4 पिक्सल, ओके। सो नाउ दिस इज लुकिंग परफेक्ट, एंड आई थिंक वी शुड नाउ, अब हम इस पर जावास्क्रिप्ट की कोर्स जो कोड है वो लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का, एंड उसके बाद हम लोग प्ले करके देखें। तो हमारा डिज़ाइनिंग का एलिमेंट तो ख़त्म हो गया है यार यहाँ पे, एंड तो हमने इसकी डिज़ाइनिंग तो देख ली, डिज़ाइनिंग सारी कर ली आई थिंक, कि अब और इसमें कुछ हमें जोड़ना नहीं है। यहाँ पे आप एक टाइटल लगा सकते हो, डेट आई म्यूज़िक प्लेयर, तो उसके लिए आप क्या है कि सबसे नीचे में आओ और यहाँ पे आप लगा सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि वो अभी ज़रूरी है। तो इसकी जो हमको साइज़ है पहले वो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके साइज़ जो है कहाँ चला गया हमारा, म्यूज़िक कंटेनर या फिर मेन नेम म्यूज़िक कंटेनर, इसकी हाइट जो है अगर हम 30 पिक्सल 30 रैम रखे तो चलेगा, 31 रैम रखे तो, चलो 31 रैम ही रखने रहने देते हैं, ठीक है। 31 रैम इज़ गुड, 31 रैम, वेयर इज़ द 31 रैम, आई हैव टू डू इज 31 रैम, वेयर 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 वेयर, लेट्स फाइंड, लेट्स फाइंड गाइज 35 रैम को, 31 रैम में, ओके यार गाइज। तो अब हम लोग आगे की एडिटिंग करते हैं इसमें। तो मैंने इस आर्टिस्ट नेम को थोड़ा सा टिल्ट कलर दे दिया है, और इसको बॉक्स शैडो बना दिया, मैं बता दूंगा कहाँ पे मैंने चेंजेस किए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया ताकि ज़्यादा देर ना हो। अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा वीडियो को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अब काम करने वाला हूँ आगे, तो आप अच्छे से देखो, ठीक है। कंट्रोल बटन्स डॉट प्ले btn, ठीक है, और इसमें मैं लिखूँगा विड्थ, विड्थ, सॉरी विड्थ, विड्थ
विड्थ हमारा रहेगा 2 RAM और 2 RAM देन एक मिनट, और यहाँ पे हमारी हाइट भी हो जाएगी 2 RAM, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या रखेंगे, बैकग्राउंड कलर को कुछ हैस 111 कर देंगे, एंड उसके बाद बॉर्डर रेडियस को मैं क्या करूँगा 50% ताकि ये राउंड हो जाए, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि फॉन्ट साइज़ को 0.7 RAM कर दूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा देखता हूँ कैसा आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज़ को हमने 0.7 RAM कर दिया, और इसके कलर को फॉन्ट के कलर को सॉरी सिर्फ कलर 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 को मैं थोड़ा वाइट कर देता हूँ, तो मैं A6 करके देखूँ क्या। ओके, तो मैंने ये कलर कर दिया, और उसके बाद मैं डिस्प्ले करूँगा फ्लैक्स ताकि ये सब आ जाए एक लाइन में, और उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स मैं फ्लेक्स करूँगा। सॉरी, पहले तो जस्टिफाई कंटेंट कर लेते हैं, जस्टिफाई कंटेंट ऊपर आजा भाई मेरे, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स भी सेंटर। चलो अब मैं सेव करता हूँ, तो अभी आप देखो ये कैसा आता है हमारा, सेव करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, बट यहाँ पे पैडिंग हमको ज़्यादा लग रही है, तो मैं क्या करूँगा इस पैडिंग को यहाँ पे 1 RAM 1.2 RAM और इस पैडिंग को मैं अगर कर दूँ 0.5 RAM, तो देखता हूँ अब कैसा आता है। नाउ वेरी परफेक्ट, अभी हमारा बहुत अच्छा दिख रहा है। अब हम इसमें एक एनिमेशन का डालेंगे कुछ, कि हमारा जब तक गाना चलते रहे तो ये घूमते रहे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्लास बनाऊँगा रोटेट एनिम करके, ठीक है, रोटेट एनिम करके, और इस क्लास में मैं क्या लिखूँगा एनिमेशन लिखूँगा, और फिर मैं कहूँगा रोटेट प्लेयर, चलो मैं ये लिख देता हूँ, या रोटेट पिक कर दूँगा 2 सेकेंड लीनियर इनफिनाइट। ओके, तो अब हम यहाँ पे एंटर लेते हैं, और एक इसमें क्या करेंगे उसके बाद की फ्रेम्स हम लगाएंगे ताकि हमारा काम करे, वरना ये नहीं करेगा, ठीक है। तो की फ्रेम्स में इसका नाम हम डालेंगे रोटेट एनिम को, और इस रोटेट एनिम को डालने के बाद ये डॉट हटाओ, तो यहाँ से सिर्फ नाम हमको चाहिए, और यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाएंगे, और करली ब्रेसेस लगाने के बाद मैं क्या सॉरी डॉट रोटेट पिक को, सही है। इसके बाद इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, फ्रॉम, हमको कैसे इसको रोटेट करवाना है, फ्रॉम इसको ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी होती है यार, तो इसमें हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन नहीं, बस ट्रांसफॉर्म, और इसमें कॉलन लगाएंगे, और उसके बाद लिखेंगे रोटेट और करके कुछ ऐसे 0 degree, ठीक है, यहाँ पे शायद 0 degree ये हमारा हो गया यहाँ से ऐसे, और पहले तो इसको हटा दो, एक मिनट यार ये क्या हो रहा है, चलो अब ये सही है, बता रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म, बस ट्रांसफॉर्म लिखो ऐसे लिखो, और रोटेट लगाओ, और 360 degree ऐसे लिख दो, सही है। चलिए इसको सेव कर देते हैं, और ये रोटेट पिक हमारा हो गया, एंड इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमको और कुछ करना है, कुछ नहीं करना, ओके भाई। चलो तो अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे ये जो इसके पीछे की जो बैकग्राउंड है इसको ब्लर किया थोड़ा सा, और ब्लैक टाइप का जो आपको दिख रहा है। तो मैं म्यूज़िक कंटेनर में आ गया यार, और ये वाला लाइन का कोड ऐड कर दिया, बॉक्स शैडो मैंने लगा दिया, और बस और कुछ नहीं किया, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया बस। चलो तो आप कुछ भी रख सकते हो कलर, उससे तो मतलब है नहीं। चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम क्या लगाते हैं अब कि यहाँ पे होवर, ठीक है, जैसे ही होकर कोई होवर करे तो कलर चेंज होना चाहिए ना, ये देखो प्ले आ रहा है, और ये जो भी मतलब हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे अगर ले जाए माउस तो यहाँ पे कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल बटन्स के अंदर हमारा क्लास है FAH, ठीक है, तो मैं लिखूँगा कंट्रोल बटन्स डॉट फिर से FAS, और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं होवर, ठीक है, और इस होवर में आ जाऊँगा, और यहाँ पे लिख दूँगा बैकग्राउंड कलर जो है वो कैसा रखना चाहूँगा मैं, बैकग्राउंड का कलर मान लो मैंने ग्रे रख दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने ग्रे कर दिया। ओके, तो मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया यार इसको, तो कंट्रोल फैस को जो कलर है उसको ग्रे कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप ग्रे करोगे तो ये देखो इसका कलर जो है आपको चेंज होके दिखाई देगा, ठीक है।
तो ये हमने कर दिया एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद हमने ये, चलो अब हमारा अच्छा लग रहा है, अब कुछ नहीं चेंज करते इसमें, डिज़ाइनिंग तो हमने काफ़ी अच्छी कर रखी है। अब इस पर आगे हम लोग जितना कोड जो होगा अब जावास्क्रिप्ट का, अब जो हमारा ओरिजिनल है जो काम है वो होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आप ये सर्च करो HTML5 ऑडियो, ठीक है। अब जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है, आपको क्या मिलता है। तो जैसे ही आप इसमें जाओगे और HTML5 के कोई भी वेबसाइट यहाँ से खोलोगे तो देखो आपको किसी इस तरह से ऑडियो कंट्रोल्स के लिए ऑप्शंस मिलते हैं ऑडियो लगाने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से तो कहाँ गया मेरा, और जो म्यूज़िक है यहाँ, इसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऑडियो लगा लूँगा और सोर्स में जाऊँगा, बैक जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा हमारा म्यूज़िक, और सबसे पहले तो मैं यही लेता हूँ, ठीक है, हमारा म्यूज़िक, ओके जी। तो अब हम क्या करेंगे, एक JS का फाइल बनाएंगे यहाँ पे, और जावास्क्रिप्ट का फाइल हम क्या लिखेंगे, index.js। चलो मैंने ये रख दिया index.js, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ आपको ताकि और अच्छे से दिखे। तो हमने यहाँ पे अभी एक लाइन ऐड किया है ऑडियो, सोर्स हमने सोर्स में अपना ऑडियो ले लिया है, और मैं यहाँ पे आपको कमेंट कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है, ताकि आपको पता चले ऑडियो, ठीक है। ये ऑडियो हो गया हमारा, यहाँ पे हमारे कंट्रोल्स हो गए, कंट्रोल बटन्स, सही है। तो हमने यहाँ पे ऑडियो ले लिया है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इंडेक्स जेएस, सबसे पहले तो इस इंडेक्स को क्या करवाएंगे कि हम इसमें पहले तो इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करने हैं, हमको लिंक लिखेंगे, ठीक है, और सॉरी स्क्रिप्ट लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, और स्क्रिप्ट जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा, और सोर्स लिखेंगे और सोर्स में जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स डॉट जेएस है उसको ऐड कर लेंगे, एंड देन इसमें सबसे पहले हम कंसोल लॉग करवा के देखते हैं, ठीक है, ताकि हमारा चल रहा है कि नहीं। तो JS एडेड, चलो इसको हम लोग राइट क्लिक करके, सॉरी राइट क्लिक तो हमारा खुला हुआ है ही, इस पर जाते हैं और देखते हैं हमारा मैसेज प्रिंट हो रहा है कि नहीं कंसोल में जाके, और ये देखो JS एडेड आपको दिखा रहा है, ठीक है, इसका मतलब हमारा index.1 जो है वो अच्छे से ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको बंद करो इस इंस्पेक्ट को, अब यहाँ पे जितनी कोडिंग होगी हमारी इसमें होगा सब, ठीक है। तो अब हम यहाँ से करते हैं, और अब हम क्या करेंगे इसके बाद देखो, तो सबसे पहले तो मैं एक कॉन्स्टेंट बनाऊँगा, यहाँ से कॉन्स्ट लिखूँगा और मैं लिखूँगा क्या प्ले, मान लो यहाँ से मैंने प्ले लिखा, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, अब मैं इस आईडी से इसको आइट्रेट कर रहा हूँ, इसको एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ चला गया हमारा प्ले, प्ले जो होगा आईडी हमने बना रखा है, आईडी में प्ले, ये देखो ये जो प्ले बना रखा है इसको हम लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है, इसको एक्सेस करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्ले, या फिर ऐसे लिखो इसको डबल कोटेशन में, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने यहाँ से प्ले लिखा, ठीक है, अब हमने प्ले तो लिख दिया, ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे इसके आगे। देन व्हाट वी विल डू इज़ कि मैं यहाँ पे इससे पहले भी एक और कॉन्स्ट म्यूज़िक लिखूँगा, और इस म्यूज़िक में मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर, किस क्वेरी को मैं सेलेक्ट करूँगा, किसको टैग को सेलेक्ट करना है, इसको टैग को सेलेक्ट करना, ये जो ऑडियो है इसको, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा अब ऑडियो को, यहाँ से मैंने मान लो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये ऑडियो को जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो अब क्या होगा कि अब मैं एक इवेंट लिसनर पास करूँगा, ठीक है, मान लो अब मेरे को प्ले करवाना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो जावास्क्रिप्ट प्ले मेथड्स में जाओगे, जब जावास्क्रिप्ट प्ले ऑडियो डॉक्स, मोजिला का मैं खोलता हूँ यार आज, हम बढ़िया ये हमारा मिल गया। जब इस डॉक्स को आप देखोगे पढ़ोगे तो देखना नीचे, ये देखो इस मेथड से हमारा जो प्ले है इस फंक्शन से प्ले हो जाएगा और इस पास से पास हो जाएगा, बस इतना सा सिंपल सा है, ठीक है। तो अब इसी को हमको इम्प्लीमेंट करना है इस यहाँ पे, जब आप डॉक्स आप देख लोगे तो और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो प्ले पॉज को हम अब इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो अभी तक तो हमारा कुछ नहीं हो रहा है, ओके फाइन वेरी फाइन। चलो तो हम प्ले डॉट ऐड इवेंट लिसनर, हम एक इवेंट को लिसन कर रहे हैं, जब मैं आपको जावास्क्रिप्ट की मैंने कोर्स करवाई है और आप देखो उसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे कि हमने ऐड इवेंट लिसनर जो है
यहाँ पे हमको डालना है, और उसके बाद इसमें मैं क्या ऐड करूँगा, तुम हट जाओ भाई। तो अब यहाँ पे मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक लिसन का, मतलब कि अगर कोई बटन पे क्लिक करे, मतलब ये क्लिक, ठीक है, जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो मैं उसको एक एरो फंक्शन रन करवाऊँगा, ठीक है। यहाँ से आप देखो, ये एरो फंक्शन होगा कुछ ऐसे, एक चलाऊँगा, और ये फैट एरो फंक्शन में मैं क्या चलाऊँगा यहाँ पे कि भाई म्यूज़िक डॉट प्ले हो जा, ठीक है। जो म्यूज़िक है, मतलब ये म्यूज़िक, ये ऑडियो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ऑडियो, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और हमने उसको एक वेरिएबल में बाइंड कर लिया है, ठीक है, वेरिएबल में इसको रख लिया है। तो इस म्यूज़िक को मैं क्या कह रहा हूँ कि प्ले हो जाओ भाई, प्ले हो जाओ। अब देखते हैं क्लिक करके कि क्लिक इवेंट पर हमारा ये चीज़ काम करता है कि नहीं करता है। तो हमारी सारी चीज़ें तो अभी तक अगर सही होगा सारा कोडिंग, तो अभी हमारा बजने लगेगा आना, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं जो माइक है उसको निकाल देता हूँ, वरना फिर आपको दिखेगा नहीं, आई मीन सुनाई नहीं देगा। तो ओके, तो मैंने अभी माइक निकाल दिया है, और हो सकता है आपको बच्चे सुनाई दे अगर मैं क्लिक करूँ तो। गाइज यार, हमारा तो ये काम तो किया नहीं, बट देखते हैं क्या प्रॉब्लम रह गया हमारा, ठीक है। तो म्यूज़िक डॉट प्ले डॉट ऐड इवेंट लिसनर हमने तो किया, प्ले भी किया, और प्रॉब्लम कहाँ रह गई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, देखता हूँ मैं, रुक जाओ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, आई डी तो मैंने प्ले लगा रखी है यहाँ पे। तो गाइज यार, प्रॉब्लम यह है कि जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसको स्क्रिप्ट को कट करते हैं, ठीक है, और इस बॉडी के नीचे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इंडेक्स डॉट हमारा सब सही है, ठीक है। राइट क्लिक करके एक बार ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, और ये देखो जैसे आप क्लिक करोगे अब, तो आई होप कि आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन रुको अभी। तो गाइस यार, मैंने अभी माइक निकाल दिया है और आपको सुनाई दे रहा होगा, आई होप। ओके गाइस, तो अब मैं क्या करूँगा आगे कि जो ये प्ले हो गया, एंड अब हम लोग आगे की फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करें तो ये पाउस बटन बन जाना चाहिए। उससे पहले मैं इसको कर्सर को जो है वो कैसा बनाना चाहूँगा कि मैं पॉइंटर बनाना चाहूँगा, ठीक है। तो होवर में जाऊँगा इसके स्टाइल में, और इस होवर में जाने के बाद मैं लिखूँगा कर्सर पॉइंटर, ठीक है। और जैसे अब जाओगे तो ये कर्सर हमारा जो है वो पॉइंटर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारा जो ये प्ले बटन है वो पॉज में बदल जाए, होता है ना ऐसा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेस में आ जाएंगे, और इसी इवेंट लिसनर पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे प्ले, जैसे कि जब हमारा प्ले हो जाए तो मैं क्या लिखूँगा इस प्ले हो जाने पर, क्लास लिस्ट एक आती है, यहाँ से हम क्लास लिस्ट कर लेंगे। क्लास लिस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं रिप्लेस करवा दूँगा, और क्या रिप्लेस करवाऊँगा कि जो FA जो हमारा प्ले है, ये वाला क्लास है, वो क्या है, एक और क्लास होगा यहाँ पे FA करके पॉज का, है ना, जो कि हमारे आइकन को चेंज कर देगी, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ पे ऐसे करोगे, और आगे देखते हैं इसके बाद अभी, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब मैं चाहूँगा कि जो हमारा ये वाला पिक्चर है वो भी घूमने लगे, ठीक है। तो कैसे घूमेगा वो देखो, प्ले करेगा तो हम इमेज को रोटेट करवाना चाहते हैं, तो हमने इमेज यहाँ से, सबसे पहले तो हमको यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा क्वेरी सेलेक्टर से। तो कॉन्स्ट क्या लिखूँगा मैं, query selector, और यहाँ पे मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, img को बस, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि img डॉट, और उसके बाद क्या लिखना है, क्लास लिस्ट डॉट, उसके बाद क्या लगाना है, ऐड, ठीक है। और क्या ऐड करवाऊंगा, कौन सा क्लास हमको ऐड करवाना है, यहाँ से आप देखो css में हमने क्या बना रखा है, डॉट रोटेट एनिम, ठीक है, डॉट रोटेट, ये आपका सही होना चाहिए, ठीक है, एनिम, ये आ गया हमारा रोटेट एनिम, स्पेलिंग सही है, आई होप कि सही है स्पेलिंग, डॉट रोटेट एनिम, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने बंद कर दिया, कहाँ गया हमारा। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, और फिर से जो है हम यहाँ पे आते हैं, और उससे पहले मैं निकाल देता हूँ वरना आप ये देखो हमारा। ओके यार गाइस, तो अब मैं इसको जब प्ले करूँगा तो ये देखो, ये भी अभी भी घूम नहीं रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है देखते हैं इधर। तो यहाँ तक तो ठीक है, ट्रांसफॉर्म हमारा ये सही है, प्रॉब्लम कहाँ है, थिंक द प्रॉब्लम इज हेयर ट्रांस, ओके सो ट्रांसफॉर्म हेयर इज़ द प्रॉब्लम,
एंड लेट्स डू इट अगेन। और हम अभी भी हमारा काम नहीं कर रहा। ओके यार गाइस, तो प्रॉब्लम हमारा यहाँ था, हमने स्पेलिंग सही कर लिया। यहाँ ट्रांसफॉर्म आप भी ये देख लो, ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। और सेव करो, और जब हम यहाँ से क्लिक करेंगे अब तो ये देखो हमारा ये घूम भी रहा है और गाना जो है वो चल रहा है। मैं बजा के आपको निकाल। तो गाइस यार, अब हमारा परफेक्टली काम कर रहा है, डिस्को घूम भी रहा है हमारा इमेज। और अब क्या हो रहा है कि ये जो पॉज वाला बटन था वो भी हमारा हो गया है, पॉज दिखा रहा है। अब इसका फंक्शनलिटी हमको पॉज का ऐड करना है, ठीक है। हम इसमें पॉज वाली फंक्शनलिटी ऐड करेंगे, पॉज का फीचर ऐड करेंगे, तो देखो कैसे ऐड करते हैं उसको। तो सबसे पहले ये और HTML का काम हमारा हो चुका है, और इसका भी अब हम इसको थोड़ा सा रहने देते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, एक वेरिएबल मैं बनाऊँगा जो कि बुलियन वैल्यू रखेगा, वो क्या इज़ ऑडियो प्लेइंग, क्या ऑडियो जो है वो प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे शुरू में ये तो फॉल्स रहेगा, ठीक है, कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही कोई प्ले बटन पे क्लिक करता है इवेंट फायर जैसे ही होता है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इमेज म्यूजिक डॉट प्ले को इसकी जो वैल्यू है उसको ट्रू कर दो, ठीक है। तो इसको ट्रू मैं कर देता हूँ कुछ इस तरह से, देखो तो हमारा चालू हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि इज़ ऑडियो प्लेइंग को आप ट्रू कर दो सबसे पहले, ठीक है। और जब जैसे ही ट्रू हो रहा है उसके बाद आप ये वाला म्यूज़िक को प्ले करो, उसके बाद ये काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब देखो आगे, चलो ओके गाइस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको कॉपी करते हैं इसी चीज़ को, और हम थोड़ा सा चोरी चोरी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि फॉर पॉज फंक्शन, ठीक है। फॉर पॉज, यहाँ पे ऐसा लिखो, पॉज फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये है इज़ ऑडियो प्लेइंग, इसकी वैल्यू को फॉल्स कर देंगे, तब ना वो रुकेगा, कि ऐसे ही रुक जाएगा, समझ गए ना। तो इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब देखो कि हमने यहाँ तक कर लिया। और इसे यार अब हम इसमें क्या करेंगे कि इन सबको तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल में बाइंड कर लूँगा, ठीक है, ये जो भी हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको छोड़ दूँगा अभी। और क्या है कि सबसे पहले तो क्या होगा कि इसको हम क्लिक इवेंट फायर करवा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक इवेंट फायर हो रहा है हमारा, तो मैं क्या करूँगा, इसको हटाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। जो हमारा क्लिक इवेंट प्ले बटन पे जैसे ही फायर हो रहा है, तो मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है। इफ़ यहाँ से चेक कर रहा है कि इज़ ऑडियो प्लेइंग क्या ट्रू है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू क्या है कि हमारा फॉल्स है, मतलब ये यहाँ पे हमने फॉल्स लिख रखा है, ठीक है, तो फॉल्स के बराबर है, अगर यहाँ मेरा वैल्यू फॉल्स के बराबर है, मतलब फॉल्स है, तो तुम कौन सा एग्जीक्यूट करोगे फंक्शन, पॉज बटन वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करो, ठीक है, पॉज म्यूज़िक, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख दो, पॉज द म्यूज़िक, ठीक है, पॉज द म्यूज़िक, ओके, वेरी फाइन, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, वरना क्या करो, एल्स लगा दो। और एल्स में क्या लगाओगे आप, कि नहीं तो अगर वो ट्रू है इज़ ऑडियो प्लेइंग, अच्छा जी यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्लिक कर दिए तो ट्रू हो गया, ओके कोई बात नहीं, तो प्ले द म्यूज़िक कर दीजिए। अब इसी नाम से हम क्या करेंगे, इसी नाम से इस वेरिएबल में अपने सारे फंक्शंस को होल्ड करवा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा क्लिक लिखा है हमने ये सब, इसको देखो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, कि ये हटा दो यहाँ पे, और चुपचाप यहाँ पे आप कॉन्स्ट बनवाओ आराम से। और कॉन्स्ट में सबसे पहले क्या रखना है आपको, पॉज द म्यूज़िक या प्ले द म्यूज़िक। यहाँ पे क्या करवा रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम करवा रहे हैं पॉज को रिप्लेस करवा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, प्ले द म्यूज़िक, ठीक है, प्ले द म्यूज़िक इक्वल्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे फैट एरो एक जो फंक्शन है ये रन होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉज वाले सिस्टम में भी कुछ ऐसे ही कर देंगे, समझ गए आप। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट पॉश द म्यूज़िक इक्वल टू 30, और ये मैं मिटा दूँगा, और हमारा यहाँ से ये भी मिटा दूँगा। तो यहाँ पे समझो मैंने किया क्या, तो मैंने यहाँ पे क्या चेंजेस किए अभी, कि जैसे ही कोई बटन यहाँ पे क्लिक कर रहा है, तो ए यहाँ पे इवेंट इज़ फायरिंग ऑन क्लिकिंग
प्ले बटन, ठीक है, जैसे ही कोई प्ले बटन पर क्लिक कर रहा है तो एक इवेंट फायर हो रहा है, वो क्या चेक कर रहा है कि इज योर ऑडियो प्लेइंग जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है, तो पहले से फॉल्स है, ठीक है, तो अगर ये फॉल्स के बराबर हो जाता है तो तुम पॉज द म्यूजिक ये वाला चला दो, और अगर एल्स अगर उसको ट्रू वैल्यू मिल रही है तो तुम प्ले वाला चला दो, समझ गए। तो हमने ये चीज़ किया है, तो हमने उसको अभी यही चीज़ बदलाव किया और ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब आगे देखते हैं हम क्या करेंगे कि हमको चेंज भी तो करना होगा ना, कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो अभी तो चेंज नहीं हो रहा है, क्लिक करने पर वही रह जा रहा है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे ये देखो कैसे करना है हमको। तो यहाँ पे हम पॉज द म्यूज़िक में आएंगे, और अगर ये प्ले है तो पॉज, तो अब पॉज द म्यूज़िक में पहले से पॉज है, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ पॉज, तो पॉज तो है ही, लेकिन इसको मैं हमको प्ले वाला बनाना है कि मैं अब क्लिक करूँ तो प्ले वाला बन जाए ना। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एफ ए अगर यहाँ पे पॉज है तो इसको हमें इंटरचेंज कर देंगे इससे, और यहाँ पे प्ले लगा देंगे, और यहाँ पे प्ले लगाने के बाद इस म्यूज़िक को हम पॉज कर देंगे यही फंक्शन को। तो हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद क्या करते हैं एक बार चला के देखते हैं। तो ये देखो हमारा अब चल रहा है, और एक काम करता हूँ मैं आपको अभी एक ये दिखा। तो गाइज यार मैंने अभी निकाल दिया है अपना माइक, और आपको अब सुनाई देगा कुछ इस तरह से, ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ और पॉज का बटन आना चाहिए, ये गाइज अमेजिंग डूड, अब ये पॉज हो गया, और इस पर पॉज पे क्लिक करेंगे तो ये गाना रुक जाना चाहिए। ओके यार गाना तो रुक गया, बट फोटो हमारा घूमते रह रहा है, तो इसको भी ठीक करते हैं। इज बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमने क्या किया था पॉज वाले में, ये प्ले वाले में हम ऐड कर रहे थे, तो पॉज वाले में हम रिमूव कर देंगे सिंपल, और इसको सेव कर देंगे। तो अब जो है प्ले अगर आप करोगे तो ये देखो, पॉज करोगे तो रुक जाएगा, प्ले करोगे तो आपका प्ले हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग कर सकते हैं इसी में कोड को शॉर्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पे हमारा कोड है, तो हम इसको कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, देखो इसको कुछ मत करो, बस इसको आप ये कर दो, और टर्नरी ऑपरेटर्स होता है, मैंने जावास्क्रिप्ट में आपको बताया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इज़ प्लेइंग, यहाँ इज़ ऑडियो प्लेइंग जो है, अगर यहाँ पे देखो अगर मैं इसको शॉर्टकट लिखूँगा, अगर ये ट्रू है इसकी वैल्यू, तो क्या करो पॉज द म्यूज़िक को कॉल कर दो, ठीक है, पॉज द म्यूज़िक को कॉल कर दो, नहीं तो म्यूज़िक वाले फंक्शन को कॉल कर दो, सही है। और यहाँ पे मैं इसको करूँगा, और फिर से मैं देखता हूँ, ये देखो हमारा काम कर रहा है, और पॉज करूँगा तो पॉज भी काम करेगा, ठीक है, वेरी फाइन जी, वेरी फाइन। ओके गाइज, तो अब हम इसमें आगे नेक्स्ट और प्रीवियस वाली फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि हमारा जो HTML है इसमें आ जाता हूँ मैं फिर से एक बार, और ये देखो हमने क्या लिख रखा है, आर्टिस्ट नेम वगैरह तो सारा लिख रखा है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन इसमें हम एक आईडी अब लगाएंगे, क्या, जैसे हमने प्ले लगाया था, तो इसमें आईडी में क्या लगाएंगे, प्रीवियस, ठीक है। इसमें पे मैं क्या लिखूँगा, वेर इज़ द नेक्स्ट, ओके आईडी इक्वल्स नेक्स्ट, ठीक है। अब हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे सॉन्ग नेम आईडी वगैरह को, कहाँ पे, अपने HTML में कैसे सेलेक्ट करना है, ये देखो यहाँ पे सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आप कॉन्स्ट लिखते हो फिर से, और ऐसे सब सबको इस तरह से कॉन्स्ट, और आप क्या लिखोगे यहाँ पे आर्टिस्ट, सबसे पहले ये लिखो सॉन्ग नेम, ठीक है, सॉन्ग नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है सॉन्ग नेम, लेट्स चेक, तो हमने क्या लिख रखा है ऊपर में, यस सॉन्ग नेम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को सॉन्ग नेम, वेरी गुड जी। अब कॉन्स्ट हम क्या लिखेंगे आर्टिस्ट, आर्टिस्ट नेम गाइज, और इक्वल करके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट आईडी, जैसे आप करोगे गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा आर्टिस्ट नेम, ठीक है, जो भी इसको गाया या फिर जो भी हमारा कॉन्स्ट। अब फिर से मैं यहाँ पे लिखूँगा, और क्या, प्रीवियस को मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा, प्रीवियस को मैं कुछ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, और क्या लिखूँगा प्रीव, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कॉन्स्ट प्रीव नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट करके मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, और यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे उनके सारे जो डेटा है हमारा उसको ले आते हैं, और कैसे लाएंगे उस डेटा को, देखो हम अभी स्टैटिकली जो था उसको हम डायनामिक अब बना रहे हैं, कैसे, वो एक एरे में रखेंगे, ठीक है, जितना भी हमारा सॉन्ग का नाम होगा या फिर जो भी सॉन्ग के आर्टिस्ट का नाम होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, टाइटल कहाँ रखेंगे उसको, हम उसको रखेंगे यहाँ पे, क्या बोलते हैं, मैं इसको कुछ टाइटल में रखने वाला हूँ, ठीक है, तो सॉरी मैं उसको एक एरे में बाइंड करके रखूँगा। अब देखो कैसे,
तो हमने कहाँ तक कि इसको रखा है, चलो यहाँ पे हम इसको हटा लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैं जगह बनाता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगा, कॉन्स्ट सॉन्ग्स इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट सॉन्ग्स में एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा हर एक सॉन्ग के लिए, ठीक है। तो मैं मान लो बनाता हूँ कि नेम कुछ सॉन्ग वन, सही है, और टाइटल एक है हमारा इवेंट डिपार्चर। मेरे को तो इसका आर्टिस्ट का नाम पता ही नहीं यार, तो टाइटल जो है हमारा उसको मैं सॉन्ग नेम दे देता हूँ। हमने तो सॉन्ग नेम किया है, और इसको आईडी चलो दे दो एक, ठीक है, आईडी। इसमें आर्टिस्ट नेम, इसमें हम आर्टिस्ट नेम में क्या रखेंगे, हम रखने वाले हैं आर्टिस्ट नेम में, मेरे को तो पता ही नहीं किसने गाया, तो चलो ओनर क्रेडिट्स, ठीक है। एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसी तरह, टू कर देंगे, यहाँ पे हम सॉन्ग थ्री कर देंगे। और क्या है कि सब जो है हमने YouTube लाइब्रेरी से जो डाउनलोड किया उसको देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार। म्यूज़िक, एक का नाम है सुगर पाइंस, एक का नाम है इलेक्ट्रोफाइट। ओके जी, चलो तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपना इसमें, और सुगर पाइंस और सब ओनर क्रेडिट्स, ठीक है, इलेक्ट्रो फाइट्स, ठीक है, ओनर क्रेडिट्स वन, ताकि आपको पता चले जो भी थ्री। चलो वेरी फाइन जी। ओके गाइस, तो अब हम यहाँ से आगे करते हैं अपना कोड। और देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे नीचे आ जाते हैं, और एड इवेंट लिसनर हमारा सारा चीज़ हो चुका है, और यहाँ से लिखते हैं चेंजिंग द सॉन्ग्स। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक सबसे पहले तो बनाएंगे हम अपना नया एक फंक्शन लिखेंगे, सॉरी चेंज सॉन्ग्स नहीं, आप ये लिखो कि लोड द सॉन्ग, ठीक है, लोड द सॉन्ग्स, लोड द सॉन्ग जैसे आप लिखोगे इक्वल, हम इसको यहाँ पे सॉन्ग एक पैरामीटर पास करेंगे सॉन्ग्स, और उसके बाद हम इसको एक एरो फंक्शन इस तरह से बनाएंगे, और इसमें क्या लिखेंगे कि टाइटल या टाइटल नहीं, क्या था हमारा सॉन्ग्स नेम, सॉन्ग नेम डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट कॉन्टेंट, ये इक्वल टू हम क्या लिखने वाले हैं इसमें, सॉन्ग सॉन्ग्स डॉट सॉन्ग नेम जो हमने वहाँ पे लिख रखा था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर से आर्टिस्ट नेम, ठीक है, आर्टिस्ट नेम डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेंट फिर से लिखेंगे इक्वल, हम क्या लिखेंगे सॉन्ग्स डॉट, अब इस किसकी वैल्यू की हम यहाँ पे ला रहे हैं, तो सॉन्ग्स डॉट आर्टिस्ट नेम, ठीक है, सॉन्ग डॉट सॉरी आर्टिस्ट नेम है ना, ओके जी वेरी गुड। तो हमने यहाँ से ले आया है, और अब क्या करेंगे कि म्यूज़िक डॉट एस आर सी, ये जो ऑडियो है हम उसको भी चेंज करेंगे, तो म्यूज़िक डॉट एस आर सी हम क्या करने वाले हैं कि म्यूज़िक डॉट एस आर सी में आके हम यहाँ पे चेंज करेंगे क्या कि इक्वल यहाँ पे हम आएंगे म्यूज़िक म्यूज़िक अपना पाथ में, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम प्लस करेंगे, और सॉन्ग्स डॉट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जो नेम है, ठीक है, जो सॉन्ग का नेम है वो हम यहाँ से सॉन्ग्स डॉट नेम जो हमने, या फिर आप आईडी कर लो, ये जो हमने आईडी दिया था सॉन्ग डॉट आईडी, ठीक है, ये सॉन्ग्स डॉट आईडी हम इस तरह से करेंगे, प्लस यहाँ पे डॉट एम पी थ्री कुछ इस तरह से हम इसमें लगा देंगे, ठीक है, हमने कर दिया चेंज। अब इसके बाद हमें और क्या चेंज करना है, हमारे इमेज की प्रॉपर्टी चेंज करनी होगी, एस आर सी इक्वल टू, मैं क्या करूँगा इमेज की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, जो भी हमारा इमेज होगा जो अपलोड होगा उसको भी तो चेंज करना है ना, तो मैं पीछे जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, इमेजेस में जाऊँगा, है ना, इमेजेस है क्या हमारा, कहाँ चला गया, आई एम जी, सो एक मिनट, मैं म्यूज़िक से या म्यूज़िक है मैं देख लेता हूँ, म्यूज़िक है, वेरी गुड जी म्यूज़िक है,
एंड इमेज है हमारा IMZ करके है, ठीक है। IMZ के बाद मैं यहाँ पे फिर से एक स्लैश लगाऊंगा, सॉन्ग्स डॉट जो भी हमारा आईडी है जो हमने दिया है वहाँ पे, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ में प्लस, और मैं लिखूँगा यहाँ पे डॉट JPG। क्यों मैंने लिखा यहाँ पे सॉन्ग्स डॉट आई डी डॉट JPG, क्योंकि हमारा जो JPG का जो भी हमारा आएगा, मतलब यहाँ पे तो पहले प्लस आप ऐड करना ज़रूरी है, और ये हमारा इमेज है इसलिए हमने यहाँ पे JPG लगा दिया, ठीक है। ओके गाइज, तो अब हम आगे की कोडिंग करते हैं, और यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम सॉन्ग इंडेक्स को जो हमारा होगा, इंडेक्स मतलब हमारा तो ढेर सारा सॉन्ग है, तो हम मान लो यहाँ पे हमने जीरो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कॉन्स्ट हम नेक्स्ट सॉन्ग से एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सॉन्ग, ठीक है, नेक्स्ट सॉन्ग। ये नेक्स्ट सॉन्ग क्या करेगा हमारा, ये देखो आप, ये एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, और ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे जाके और सॉन्ग इंडेक्स जो भी हमारा रहेगा, मतलब मान लो जीरो है तो, ठीक है, ये जैसे जो हमारा इंडेक्स हुआ, अब मैंने आपको एरे में बताया कि ये जीरो होता है, ये वन होता है, ये टू होता है, ठीक है। तो जो भी हमारा सॉन्ग इंडेक्स है वो यहाँ से जैसे ही ये फंक्शन रन करेगा तो क्या होगा हमारा नेक्स्ट सॉन्ग पे, कि जो फंक्शन रन कर रहा है सॉन्ग इंडेक्स इक्वल टू, तो हमारा क्या हो जाना चाहिए, इंडेक्स जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम इंडेक्स को चेंज करेंगे, मान लो अगर हम एक नंबर गाना सुन रहे हैं तो हम उसको दो नंबर तीन नंबर नेक्स्ट करेंगे, तो उस तरह से हमारा जो इंडेक्स है, जैसे ये इंडेक्स अगर ये गाना चल रहा है और मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पे, तो प्लस वन हो जाना चाहिए, मतलब ये वाला इंडेक्स काम करना चाहिए। तो उस तरह से हम सॉन्ग को लोड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सॉन्ग इंडेक्स के बाद। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस देखो और करते जाओ, आपको सब समझ में आ जाएगा और आप बना लोगे आराम से, सिर्फ कोड करते जाओ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि सॉन्ग इंडेक्स जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, जो सॉन्ग का इंडेक्स है, ये सॉन्ग इंडेक्स मैं क्या करूँगा सॉन्ग इंडेक्स में प्लस वन कर दूँगा, ठीक है, प्लस वन ऐड कर दूँगा। और ये मॉड्यूलर्स फंक्शन यहाँ पे मैं यूज करूँगा कहाँ से, सॉन्ग्स डॉट लेंथ, जितने भी सॉन्ग्स की जो भी लेंथ है, मतलब जो भी इंडेक्स है, ठीक है, उसको। सो गाइज यार, सॉन्ग्स ये हमने कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लोड सॉन्ग्स जो हमने यहाँ से चलाया था, लोड सॉन्ग्स मैं क्या करूँगा, लोड द सॉन्ग है यहाँ पे, मैं क्या करूँगा अब कि इसमें हम एक पैरामीटर क्या पास करेंगे, जो हमारा जितना भी सॉन्ग्स होगा उसको हम ले आएंगे यहाँ से अपना एरे से, और उसके क्या करेंगे सॉन्ग के जो इंडेक्स है, सॉन्ग इंडेक्स, ठीक है, ये जो सॉन्ग इंडेक्स है, सॉन्ग इंडेक्स है, इसको हम लोग इस तरह से कर देंगे। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि प्ले म्यूज़िक, ये जो हमारा फंक्शन है प्ले द म्यूज़िक, इसको हम रन करवा देंगे, ठीक है, जो हमारा ऊपर में फंक्शन बनाया था हमारा। और उसके बाद मैंने सेव कर दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और कि इसके बाद हम एक क्या करेंगे कि नेक्स्ट, जब कोई नेक्स्ट बटन पे क्लिक करे तो डॉट ऐड इवेंट लिसनर एक इवेंट रन करवा दो, क्या कौन सा, कि क्लिक इवेंट रन जैसे ही हो तो मेरा क्या आना चाहिए, मेरा जो जो भी फंक्शन है नेक्स्ट वाला वो काम करना चाहिए, नेक्स्ट मतलब गाना बज जाना चाहिए, है ना। तो हमने क्या ऊपर में बना के रखा है, नेक्स्ट सॉन्ग से नाम से बना के रखा है, तो क्लिक जैसे ही करेगा तो नेक्स्ट सॉन्ग आप इस तरह से कर दो, है ओके, और इसको हम इस तरह से कर देंगे होगा इसी तरह से। तो मैं क्या करूँगा, इसको तो कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, हम एक प्रीवियस सॉन्ग नाम का मेथड बना लेंगे, ठीक है, प्रेव सॉन्ग। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसी चीज़ को कॉपी, चाहे कॉपी नहीं, मैं अभी खुद बनाता हूँ, ठीक है, प्रेव, ठीक है, ये नेक्स्ट सॉन्ग हो गया हमारा, और हम यहाँ से प्रेव सॉन्ग करेंगे। और जैसे मैं प्रेव सॉन्ग करूँगा इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन चलाऊँगा और इसको कुछ इस तरह से चलाऊँगा, तो ये हमारा मतलब सॉन्ग को हमको बैक करना है। तो हमने जो ये एरे बना रखा है, तो मान लो कि अगर मैं तीसरे वाले पे हूँ, इसका मतलब 0 1 2, ये हम टू इंडेक्स पे हैं, तो हमको इस इंडेक्स पे जाना चाहिए, मतलब जिस इंडेक्स पे हैं उससे एक कम, है ना, जब एक बार क्लिक करें तो एक कम, एक कम। तो अगर मैं तीन पे हूँ और माइनस अगर एक कम होता है इंडेक्स, तो हमारा टू पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज़ होगा यहाँ पे भी, हम प्रीवियस सॉन्ग में क्या लिखेंगे कि सॉन्ग इंडेक्स जो है उसको आप क्या करो कि सॉन्ग इंडेक्स को क्या, कौन सा सॉन्ग इंडेक्स बना दो, तो यहाँ पे आ जाओ सॉन्ग इंडेक्स जो भी है हमारा अभी उसमें माइनस कर दो वन, और उसके जो उसको फिर मॉड्यूलस फंक्शन हम चला देंगे उसी तरह से, माइनस वन लगा देंगे और यहाँ पे परसेंट का साइन देंगे, और सॉन्ग्स डॉट लेंथ जितने भी सॉन्ग्स है उस पर हर सॉन्ग पे ये अप्लाई कर दो। और उसके बाद
प्ले म्यूज़िक, प्ले द म्यूज़िक का फंक्शन हम रन कर देंगे। तो गाइज यार अब हम देखते हैं कि हमारा तीनों सॉन्ग जो है वो काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो इसको छोटा कर लेते हैं, अब जगह हमारा हो गया है तो हमने सब बना दिया एंड आई होप कि अब ये काम करे, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूँ माइक और देखता हूँ बजा के, ठीक है। ओके गाइज, तो गाइज यार माइक तो मैंने निकाल दिया, बजा के देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। तो गाइज यार फर्स्ट सॉन्ग तो हमारा सब एकदम सही बज रहा है, ठीक है। दूसरा सॉन्ग हम देखते हैं, ये दूसरा सॉन्ग तो आया लेकिन जो सुगर पाइंस गाना जो है वो हमारा नहीं बज रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारा सॉन्ग जो है ये नहीं बज रहा है, ओके। तो गाइस यार हमने एक लाइन का कोड यहाँ पे छोड़ दिया, उसको भी लिखेंगे, पूरा करेंगे और उसको कुछ इस तरह से। फिर से रन करते हैं एक बार। फाइनली मुझे पता चल गया कि आखिर हमारा प्रॉब्लम क्या था। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो नेम है वो मैच नहीं कर रहा है, और ना फोटो का नाम ना फिर हमारा सॉन्ग का नाम। तो चलिए उसको मैच करवाते हैं, अभी ठीक करेंगे हम उसको। तो वो हमारा कहाँ है, ये यहाँ पे हमारा इमेज वन, इमेज टू, इमेज थ्री है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इमेज वन, इमेज टू, इमेज थ्री जो है इसके जगह पर हम क्या कर देते हैं, एफ टू सॉन्ग वन, सही है, सॉन्ग वन, और इसको करेंगे सॉन्ग टू, और इसको करेंगे एफ टू सॉन्ग थ्री, ठीक है। और इसको भी हम कुछ इस तरह से कर देंगे, कहाँ चला गया हमारा म्यूज़िक, और ये जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइट जो है इसको हम सॉन्ग वन इलेक्ट्रोफाइट, या फिर इसको चलो ठीक है हम सॉन्ग वन इवेंट डिपार्चर जो है हमारा ये सॉन्ग टू, और ये सॉन्ग थ्री। फिर से इसको प्रॉब्लम हो गई यार, ये सब एस छोटा, ठीक है, और ये एस, ओके। तो अब क्या है कि यहाँ पे सॉन्ग सॉन्ग, चलो ये रहने दो, आईडी हम जो भी डाल रहे हैं कंटेंट अपना, ये जो हम डालेंगे सॉन्ग का नाम, इसमें सॉन्ग थ्री, सॉन्ग टू, ये जो है हमारा नाम सॉन्ग वन, ओके। देखते हैं रन करके इसको, ये हमारा चेंज हो गया, और आईडी भी हमको चेंज करना पड़ेगा सॉन्ग वन। ओह यार गाइस, सॉन्ग टू और सॉन्ग थ्री, ठीक है। तो अब जैसे इसको रेफ्रेश करता हूँ और फिर प्ले करता हूँ यहाँ टेक्स्ट करके, ये हमारा चलने लगा, जैसे मैच किया तो सारी डिटेल्स वगैरह मैच की, सॉन्ग नाम सब, तो उसके बाद से हमारा जो है चलने लगा। नेक्स्ट करके देखते हैं, ओके गाइस। तो थोड़ी सी चेंजिंग हम और करेंगे यहाँ पे, जो हमने चेंज लगा रखा है ये, और यहाँ पे बस यार गाइस, तो हमारा ये डन हो गया। इसको रिफ्रेश करते हैं और एक बार प्ले करके फिर से देखते हैं। मैंने गाइस माइक निकाल दिया तो आपको सुनाई दे रहा होगा ये, ओके वेरी गुड। मैं नेक्स्ट करूँ, वाह यार गाइस अमेजिंग, ये जो घूम रहा है इसको आप स्लो भी घुमा सकते हो, मैं पॉज कर देता हूँ।
अब देखो मैं इसको स्लो कैसे घुमाता हूँ, मेरा जो मेन इंडेक्स है स्टाइल, और इसको मैं 7 सेकंड दे दूँगा, ठीक है, देखता हूँ कैसे घूमता है, ठीक है, ये लो, और ये अब कुछ स्लो हो गया, ठीक है, वाह। नेक्स्ट करता हूँ, एक बार और नेक्स्ट करता हूँ, वाह गाइस। तो आप इस तरह से अब आप ढेर सारा सॉन्ग बनाए, आप इसमें ऐड करो बारी बारी से एक एक ऑब्जेक्ट बना बना के, और आप अपना सॉन्ग सुनो, ठीक है। तो आप इसके कलर वगैरह आपको जो और चेंज करना होगा आप चेंज कर सकते हैं गाइस। ये देखो मैंने बैक पे क्लिक किया तो ये चेंज हो गया, वाह, ये नाइस। इस सॉन्ग का नाम आ रहा है आपका, जो भी नाम होगा वो आ जाएगा, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है कि नहीं आएगा। बस ध्यान रखना कि आपका सॉन्ग का नाम और पिक्चर का नाम जो भी आप फोटो यूज करोगे वो सेम होना चाहिए। वाओ गाइस, तो हमने ये आखिर कंप्लीट कर ली। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर आपने बनाना सीख लिया तो कांग्रेचुलेशन लिख लो, और अगर आपने बना लिया तो वाह यार बहुत अच्छी बात है, आप और बनाओ, और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, बनाते रहो। एंड आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और आपने भी बनाया होगा ये। तो हमने एक म्यूज़िक प्लेयर यार आज बना लिया और मज़ा आ रहा है यार, मुझे भी अच्छा लग रहा है बना के देख के आपके साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और ये जो सॉन्ग का नाम, जो सॉन्ग 1 सॉन्ग 3 मैंने सेट कर रखा है इसलिए चेंज कर रखा है, ठीक है, आप वहाँ से चेंज कर दोगे तो डायनामिकली अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो उसका नाम भी आप सेम रखना और उसका नाम भी आप सेम रखना, ठीक है, फिर आपका सब सेम सही हो जाएगा। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा फिर, ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। पूरा लास्ट तक देखने के लिए यार बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो गई थी और ऑफकोर्स होना ही था क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है जहाँ हम खुद की एप्लीकेशन बना रहे थे और उसमें जो एरर्स थे उनको सॉल्व भी करना था, तो ऑफकोर्स एरर सॉल्व करने में तो दिमाग खराब हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच, मिलता है किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।